Hi, today we are going to learn hierarchy of operation. In case आपका expression है 2 multiply by x multiply by 3 into y, how you can interpret it? 2x minus 3y or 2 multiply by x minus 3y? तो ये interpretation आप उसकी priority और precedence से decide करते हैं. तो priority mathematical operation में क्या है? जो आपकी mathematics में वही priority यहाँ exist करती है. तो फर्स्ट प्रियोरिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर को दी जाती है. सेकेंड प्रियोरिटी प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड लास्ट में असाइनमेंट. इट्स मीन अगर आपने C++ में कोडिंग की कर रखी है, इंट ए एंड ए इक्वल टू 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5. अगर इसका हम आपसे कहें आंसर क्या आएगा, तो फर्स्ट प्रियोरिटी मल्टीप्लिकेशन को जाएगी. जब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे मेन से, फिर CLRCR, फिर ए इज अ वेरिएबल, तो ए इक्वल टू 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई 5. तो पहले 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इवेलुएट होगा, उसको 2 में ऐड होना है, फिर आप ए में असाइन कर देंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22. तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं. तो यहाँ एक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको डिटरमाइन करना है हायरार्की ऑफ ऑपरेशन एंड इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन. तो इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हैज सेम प्रायोरिटी. तो फर्स्ट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज 6 एंड डिवाइड बाई 4 एंड प्लस 4 by 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 by 8. एंड टू इंटीजर्स ऑपरेशन क्या होता है, इंटीजर. तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, इस तरीके से अगर आप देखें तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर डिवीजन, ठीक है. तो इस तरीके से पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होके आपकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट हुई है 8. इस तरीके से सेकेंड एक्सप्रेशन अगर हम देखें, तो इस सेकेंड एक्सप्रेशन में भी फर्स्ट आपका डिवीज़न जैसे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो डिवीज़न 3 by 2 क्या हो जाएगा, 1. 1 क्यों है, क्योंकि 2 इंटीजर ऑपरेशन हमेशा इंटीजर होता है. ऐसे ही 3 by 8 जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 0, क्योंकि 2 इंटीजर ऑपरेशन इंटीजर वैल्यू होती है. और इस तरीके से आपका टोटल आंसर क्या जाएगा, 7. So this is hierarchy of operation. Thank you.